चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 एम्पीयर करंट, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, इन टर्न्स कितने हैं 1000। तो सर्कुलर कॉइल है, रेडियस आर की वैल्यू दी हुई है 0.1, करंट की वैल्यू दी हुई है, करंट दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 0.1 एम्पीयर, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, एन की वैल्यू है 1000 टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। अब क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, सबसे पहले एन की वैल्यू रख दिया 1000 टर्न्स, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10^-7 इंटू आई की वैल्यू है 0.1 एम्पियर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 0.1 मीटर। तो 0.1 से 0.1 गया है यहाँ पर, और 10^+3 है, 10^-7 है, 4 पाई इंटू 10^-4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पाई इंटू 10^-4, ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, 2 से मल्टीप्लाई करो 6.28 इंटू 10^-4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, कौन सा ऑप्शन सही है 6.28, ये वाला सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।